हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी चैप्टर 6 कर रहे हैं और चैप्टर 6 का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 6.3 करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैं 6.1, 6.2 पूरा सॉल्व किया हूँ। चैप्टर 6 का वीडियो पूरा है, कंसेप्चुअल उसका थ्योरी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। सो आप पहले उसको देखिए जिसमें डाउट आ रहा है। अगर इसमें कुछ डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डाउट कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा। नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही चीज़ आपको रिक्वेस्ट, वीडियो लास्ट तक देखेंगे और नोट पेन के साथ बैठिए सो दैट आप मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट अभी अभी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं आपको अच्छे समझ में आए, आई होप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिगर 6.31, एक बार देखिए, फिगर नीचे दिया हुआ है और क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, कंफ्यूज होना नहीं है। फिगर 6.31 बोल रहे हैं, मतलब ये वाला फिगर बोल रहे हैं। इसमें डाटा दिया है, फाइंड बोला है PRQ। आप डाटा पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायग्राम में भी दिया है, कोई मतलब नहीं। मैं एक एक डायग्राम लेके पूरा सॉल्व करता रहा हूँ। देखिए, पहले ये डायग्राम लेता हूँ, ये वाला डायग्राम, एक एक डायग्राम को सॉल्व कर दूंगा। देखिए, इस डायग्राम में पूरा सॉल्व कर दूंगा। देखिए, पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें ये हो सकता है सर कि मुझे ये 135 दिया है, तो सर ये कितना होगा सर, क्योंकि ये एक लाइन है और ये एक और एक लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर होगा। मतलब ये 135 हुआ तो ये दोनों का सम 180 होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 45, तो ये आ गया 45। सर ये भी तो लीनियर पेयर है, तो ये 110, तो ये हो जाएगा 70। आपको देखिए, ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल में ये आ गया 45, ये आ गया 70, तो ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 70 प्लस 45 हो जाएगा 5, ये 11, 115 हो गया। हम इसको 180 से माइनस कर देंगे, अगर 180 से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 65, ये हो जाएगा 65। मुझे तीनों का एंगल निकाल दिया, क्वेश्चन जो पूछेगा उसी के हिसाब से आंसर कीजिए। और आपको पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, एक तो लीनियर पेयर है, दूसरा क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए, बहुत ईजी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए और थोड़ा इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक चीज ये है, ये 62 है, ये पूरा 54 है, मतलब ये पूरा क्या होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होगा। तो पहले 62 और ये 54 को सम कर दीजिए, ये आएगा 116। पूरा अगर 180 है तो इसको 180 से माइनस कर देंगे, 180 से अगर उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 से 6 से 4 बचेगा, 721 जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब ये आ जाएगा 64। अब लोग जानते हैं ये इसका आधा है, मतलब ये जो लाइन गया है इसको बाइसेक्ट किया है। अगर ये 54 है, इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 27। अगर ये पूरा 64 है तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 32। देखिए, ये मुझे छोटा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा ट्रायंगल भी तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एक तो आ गया 27, एक तो आ गया 32, दूसरा क्या होगा, उसी सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे ना, 27 को 32 से जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आएगा, 59 आएगा। तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, हाँ कि नहीं। अगर तीनों का सम 180 होता है तो ये कितना आएगा, 121 आएगा। ठीक है, ओ का आंसर सॉल्व निकल गया। चलिए, आपको आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आंसर भी समझ में आ रहा है। कहीं डाउट है तो तुरंत बताइए मुझे अभी। नेक्स्ट देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और ये ट्रांसवर्सल है, हम सबको पता है। अगर ये ऐसा है, ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है। डाउट लग रहा तो कभी इसे बढ़ा दीजिए, ऊपर नीचे करके थोड़ा बढ़ा दीजिए, देखिए ऐसा हो जाएगा। तो आप सब लोग पढ़े हैं, इसका आंसर इसके साथ बराबर होता है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होता है। तो ये 35, तो ये भी हो जाएगा 35। ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ये दे दिया 53, ये दे दिया 35, दोनों मिला के हो गया कितना, 88। और दोनों मिला के 80 हो गया, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 180 से 88 घट नहीं जाएगा,
तो 180 से 88 घटा दीजिए, कितना आएगा, 92 आ जाएगा, हो गया आंसर। यही मुझे आंसर पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए अब अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आपका ये सिर्फ दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है मैथ में। देखिए इन फिगर 6.42 मतलब 42 का डायग्राम कहीं होगा, देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हम सारे चीज़ निकाल देंगे, हमको पता है क्वेश्चन में। देखिए जब डायग्राम देखेंगे तो आपका दिमाग चलना चाहिए फटाफट। देखिए मुझे यहाँ देख के कुछ दिमाग चल रहा है, क्या चल रहा है, ये एक ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है तो इसका सम और इसका सम 180 होना चाहिए, तो ये 95 और 40 ये हो जाएगा 135, ये पूरा हो गया 135, ये तीनों का सम 180 होता है, तो इसको 180 से माइनस कर दीजिए, माइनस करें तो ये जाएगा 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ऐसा है कि नहीं है, 45 45। अच्छा ये अगर 45 हो जाएगा, सिर्फ 45, ये अगर 75 है, दोनों मिला के जो भी होगा, ये तीनों मिला के 180 होगा, तो पहले 45 को 75 से सम कर दीजिए, ये आ जाएगा 120, ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। इतना ईजी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा भाई, देख लीजिए वाला क्वेश्चन को, इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, ये 90 दे दिया है, ठीक है, और इसमें क्या दिया है कि सर ये जो लाइन पी क्यू और ये जो लाइन पैरेलल है, एकदम बढ़िया समझिए, प्योर प्योर वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम डायग्राम देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, देखिए एक तो ये ट्रांसवर्सल है, पहले इसको भूल जाइए, तो डायग्राम ऐसा होगा, ये ऐसा है और ये ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, इसमें एंगल x दिया हुआ है तो ये भी एंगल x ही होगा, बराबर हो गया, मतलब ये एंगल आपका x है। अब फिर डायग्राम को थोड़ा और समझिए, जैसे कि ऐसा दिया है और ऐसा दिया है और एक ऐसा लाइन ऐसा है, ये P, ये Q, ये R, ये T ऐसा है, ठीक है, अगर ये एंगल जो भी होगा, ये एंगल पूरा वही होगा, ये एंगल पूरा क्या मतलब P, ये देखिए इसको पूरा लग कहना चाहिए, तो ये पूरा, ये पूरा तो ये भी पूरा हो जाएगा, ये कितना है x प्लस 28 है, अगर x प्लस 28 का वैल्यू 65 हो जाएगा तो x कितना होगा, दोनों मिला के 65, ये अकेला 65, तो ये कितना होगा, 65 से 28 घटा दीजिए, ठीक है, ये आएगा 37, तो ये आ जाएगा 37, अगर ये आ जाएगा 37 तो ये भी आ जाएगा 37, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है। अच्छा ये 65 है, ये 28 है, ये 37 है, आप एक काम भी कर सकते हैं, इसको इसको भी निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकालेंगे ना, तीनों का सम होता है 180, अगर ये दोनों सम मिला के 65 हो जाता है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 65, तो 180 से 65 को माइनस कर दीजिए, 115 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 115, हो गया। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, ये पूरा जो ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल में ये 90 है, ये 37 है, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, ये 37 हो गया, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 37 कितना है, कितना आएगा, 53, तो ये आ गया 53। देखिए पहला वाला बात, ये 65 है तो ये दोनों का सम 65 होगा, ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये 65 है तो ये दोनों का सम 65 होगा, तो ये 65 से 28 को माइनस घटा दीजिए, ये करीबन करीबन आपका आ जाएगा 37, अगर ये 37 तो ये भी 37 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होता है, ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो 90 से कहता 37 सम कर दीजिए, 127 आ गया, इसको 180 से माइनस कर दीजिए, 53 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 53, यही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी एक क्वेश्चन दिया है जिसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिक्स नंबर थोड़ा प्रूफ करने के लिए दिया है। मुझे क्या दिया है, देखिए पहले समझा देता हूँ मुझे क्या दिया है डायग्राम में, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक ट्राइंगल दे दिया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसका बाइसेक्टर देख रहे हैं ना, इसका बाइसेक्टर देखिए ऐसे आधा आधा किया ना यहाँ पे, तो इसका बाइसेक्टर दिया है, इसका बाइसेक्टर ऐसे जुड़ गया यहाँ पर, इसका भी बाइसेक्टर दिया है ऐसे जुड़ गया यहाँ पर जाकर, इतना दिया है डायग्राम में। और मुझे प्रूफ करने के लिए क्या बोला है उसको मैं देखता रहता हूँ, देखिए प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिया है, प्रूफ करने के लिए दिया है क्यू टी आर मतलब इसका वैल्यू,
क्यू टी आर, मतलब इसका वैल्यू हाफ ऑफ क्यू पी आर, इसका आधा होगा, ये पूरा का वैल्यू क्यू टी आर का वैल्यू इसका आधा होगा, मुझे यही दिया करने के लिए। चलिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे क्वेश्चन होता है देख लेते हैं। पहले बड़ा वाला ट्राइंगल को देखेंगे, मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, जो बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर आप देख रहे हैं, मुझे बताइए एक चीज़, ये जो एंगल है पी आर एस, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है, तो क्या पी आर एस का वैल्यू इंटरनल एंगल का सम नहीं होगा, मतलब इसका और इसका सम नहीं होगा क्या, तो किसका सम हो जाएगा, क्यू पी आर का सम प्लस पी क्यू आर का सम प्लस पी क्यू आर का सम, ये दोनों का सम बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को आधा कर देता हूँ, आधा क्योंकि जानते हैं क्योंकि इसका आधा हुआ है, तो आधा करेंगे तो पी आर एस का, तो ये भी आधा हो जाएगा क्यू हाफ ऑफ क्यू पी आर और हाफ ऑफ पी क्यू आर। अच्छा आधा करेंगे जब पी आर एस का, मतलब इसका आधा करेंगे तो इस ये इस चला गया, तो ये आया कि नहीं आया, इसका जब आधा करेंगे पूरा का तो एक तो पार्ट ये हो गया, एक तो पार्ट ये हो गया, हाँ कि नहीं, मुझे क्या प्रूफ करने दे, इसको प्रूफ करने दिया ना मुझे, तो मैं इसका आधा ले लेता हूँ, ये आधा भी है और ये भी आधा है, मैं ले लेता हूँ टी आर एस, तो इसका आधा ले लिया टी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर का आधा, क्यू पी आर का इसका आधा हुआ नहीं, इसको छोड़ दीजिए से हाफ करके, क्यू पी आर करके छोड़ दीजिए, पी क्यू आर का आधा मतलब इसका आधा, इसका आधा इसको ले लीजिए, कितना आएगा टी क्यू आर आएगा, टी क्यू आर आ गया, इक्वेशन नंबर वन हो गया, मतलब टी आर एस का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू ये इतना आ गया। अब दूसरा वाला ट्राइंगल देखिए, मैं डायग्राम पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, अभी ये ट्राइंगल देखिए क्यू टी आर को ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल में क्या ये आउटसाइडर एक्सटर्नल एंगल नहीं है, क्या वैल्यू इसका है, ना सर टी आर एस है, तो टी आर एस का वैल्यू कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका सम प्लस इसका सम, इसका सम क्या है ना क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। देखिए टी आर एस का वैल्यू ये आया था, अब मुझे ये आया, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अगर दोनों बराबर होगा तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, चलिए दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे ना सर क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, यहाँ से लिया इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर, देखिए दोनों में टी क्यू आर को काट देते हैं तो क्या आया हाफ ऑफ क्यू पी आर, हाफ ऑफ क्यू पी आर इक्वल टू आ गया क्यू टी आर, मतलब मुझे यही प्रूफ करना था, मुझे क्या प्रूफ करना था, हाफ ऑफ क्यू पी आर इक्वल टू क्यू टी आर, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल, इसका आधा क्यू टी आर मतलब ये हो जाएगा, देखिए इसका आधा ये होगा, मुझे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लिख लीजिए, देखिए मुझे प्रूफ यही करने के लिए बोला है, मुझे प्रूफ क्या करना है देखिए एक बार, क्या बोला है क्यू टी आर मतलब ये वाला इसका आधा होगा, देखिए प्रूफ हो गया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पूरा इजी क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज भी ख़त्म कर दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन कीजिए, आप नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कुछ डाउट होगा तो टेलीग्राम में बोलिए या फिर कमेंट सेक्शन में बोलिए, अगर वीडियो इतना अच्छा लग रहा है आपको, सही में अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो एक बार शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच।